एक बार की बात है, एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की थी। शादी के बाद वो आदमी अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन अचानक आसपास में एक प्रकार की त्वचा रोग महामारी के रूप में पूरे इलाके में फैल गया था। तब बिल्कुल ही अचानक लड़की के चेहरे से लेकर पूरे शरीर में वो चर्म रोग दिखाई देने लग गया था। और उस लड़की को ये एहसास हो रहा था कि उसके पूरे शरीर में धीरे धीरे यह चर्म रोग फैल जाएगी और उसकी सौंदर्य भी धीरे धीरे खो जाएगी। लेकिन जब उसके शरीर में ये सब परिवर्तन आने लगा, तभी उसके पति का एक कार एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन अफसोस के बात तो यही है कि हादसे के बाद वो अंधे हो गए थे। इसके बाद बीमारी के कारण वो लड़की तो दिन ब दिन बदसूरत होती जा रही थी, पर उन दोनों का संसार सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन वो अंधा पति बिल्कुल ही ये नहीं जानता था कि उसकी पत्नी कितना बदसूरत बन चुकी है। इस प्रकार से 35 साल तक उनका परिवार सुख और शांति से चलता रहा। उनके इस 35 साल के जीवन में आपसी प्यार बिल्कुल ही कम नहीं हुआ था। उन दोनों को देखकर ऐसा ही लगता था जैसे कि अभी अभी उन दोनों की शादी हुई है। लेकिन अचानक उस वृद्ध महिला की मौत हो गई थी। तब वो अंधा आदमी अपने पत्नी के मौत से बहुत ज्यादा दुखी था और दिल से वो बिल्कुल ही टूट चुका था। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। सबको एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर परलोक में जाना ही पड़ता है। तब वो अंधा आदमी अपने पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद बस अपने घर ही लौट रहा था। तब पीछे से एक आदमी ने उससे पूछा, अरे आप जा कहां रहे हो? तब उस अंधे ने जवाब में कहा था, अपने घर लौट रहा हूँ। तब वो आदमी ने उससे पूछा, मैं तुम्हें सालों से देख रहा हूँ कि तुम अंधे हो, लेकिन आज अचानक तुम अपने घर कैसे जा पा रही हो? तब उस अंधे ने जवाब में कहा, वो अकेला सही सलामत घर जा सकता है क्योंकि वो बिल्कुल ही अंधा नहीं है और उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई भी देता है। इतने सालों से उसने अपने पत्नी के सामने अंधा बनने की बस नाटक की है, क्योंकि जब उसे पता चला कि उसके पत्नी के चर्म रोग हुआ है और वो अपनी सौंदर्य धीरे धीरे खो रही है, तब वो सिर्फ यही सोच रहा था कि उसकी पत्नी हीन भावनाओं से ग्रस्त ना हो जाए। उसने लंबे 35 साल तक अंधे बनने का नाटक सिर्फ इसीलिए किया था ताकि उसकी पत्नी कभी भी खुद को हीन न महसूस करे। दोस्तों, हमारे जिंदगी में लोग अक्सर सांसारिक वस्तु को लेकर गर्व करते रहते हैं, जैसे कि रूप, पैसा, पावर। लेकिन इन सब की स्थिति बस एक सीमित समय के लिए ही होता है। आज जो अमीर है, कल वो भिखारी भी बन सकता है। जिसका स्वरूप आज प्रज्वलित है, कल वो नष्ट भी हो सकता है। आज जो सुंदर है, कल वो बदसूरत भी हो सकता है। आजकल लोग छोटी छोटी वजह से ही अपने जीवन साथी को छोड़कर दूर चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों को अपने जीवन साथी का छोटे छोटे कामयाब को ना देखकर उसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। असल में दुनिया में प्यार ही सब कुछ होता है, इसके अलावा और कुछ भी संभव नहीं होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करना, कमेंट पे बताना वीडियो कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।